where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तारे जमीन पर मूवी देखकर रोए ना हो, ऐसे इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होंगे। लेकिन हेयर कम्स द बिगेस्ट आयरनी ऑफ लाइफ, जिन्हें बड़े पर्दे पर देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें रोना आ जाता है, उन्हें ही अपने आसपास अपनी असली जिंदगी में देखकर हम दूर भागते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी तो बिना उनकी सिचुएशन को समझे ही हम उन्हें बहुत कुछ बुरा भला बोल देते हैं और एक बार भी ये तक नहीं सोचते कि इस बात का उस इंसान पर या उस मासूम से बच्चे पर क्या असर होगा जिसका कोई कसूर ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ उन स्पेशल चाइल्ड या उन सभी स्पेशल इंसान के बारे में जो अपनी मासूमियत की वजह से ऊपर वाले के सबसे करीब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ भूमि प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर। दोस्तों, हर साल 3 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1992 के बाद से विश्व विकलांग दिवस इन व्यक्तियों के प्रति करुणा और विकलांगता के मुद्दों की स्वीकृति को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मसम्मान, अधिकार और उनके बेहतर जीवन के समर्थन को प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि विकलांग व्यक्तियों की जागरूकता राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उन्हें लिया जाना शामिल किया जा सके और विकलांग व्यक्तियों के प्रति जो सामाजिक कलंक है उन्हें मिटाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर 1983 से 1982 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दशक घोषित किया था। दोस्तों, विकलांगता कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दृष्टि दोष यानी कि नज़र या दृष्टि में आंशिक या पूर्ण रूप से अंधापन, श्रवण दोष यानी कि ठीक प्रकार से सुनाई ना देना या कम सुनाई देना, बाघ दोष यानी कि बोलने में कठिनाइयाँ, गतिशीलता दोष यानी कि चलने फिरने में कठिनाइयाँ, मानसिक मंदता यानी कि मानसिक अक्षमता या मानसिक बीमारी, विद्या विकलांग जिसके चलते व्यक्ति को सीखने में कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया में पढ़ने या शब्दों को व्याख्या करने में कठिनाइयाँ होती है, डिसग्राफिया बीमारी में व्यक्ति लगातार लिखने में असमर्थ होता है और डिसकैल्कुलिया के चलते व्यक्ति को मैथ्स या गणना करने में कठिनाइयाँ आती है, बहुविकलांगता इसके चलते शरीर के कई अंगों में विकलांगता का प्रभाव विस्तार होता है। दोस्तों, विकलांगता शब्द में केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं, बल्कि इसमें डाउन सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पल्सी जैसे रोग भी शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में 1 लाख लोग विकलांगता के किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं और सिर्फ भारत में 14.9 करोड़ पुरुष और 11.8 करोड़ महिला समेत लगभग 26,08,10,557 लोग यानी कि भारत की जनसंख्या के 2.21% विकलांगता से पीड़ित हैं। इन विकलांगता से पीड़ित लोगों में से 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार विकलांग लोगों के बीच श्रवण, दृष्टि या गतिशीलता संबंधित विकलांगता ज़्यादातर पाई जाती है। दोस्तों, ये दिन मनाने का उद्देश्य ही ये है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समाज में समानता मिल सके, इज्जत मिल सके और वो भी आत्मसम्मान के साथ एक साधारण और खुशहाल जीवन जी सके। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से और इंसानियत के नज़रिए से ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को अपने बराबर नहीं समझते और इनसे भेदभाव करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये सारे काम अनएथिकल यानी कि अनैतिक होने के साथ साथ कानूनी तौर पर भी गलत हैं। विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1995 में यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक नियम है, लेकिन वर्तमान में इसे समानता अधिनियम 2010 के द्वारा बदल दिया गया है।
ये अधिनियम उत्तरी आयरलैंड में छोड़कर विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ हो रहे बाकी लोगों के भेदभाव को समाप्त करने के संदर्भ में बनाया गया है। ये रोजगार, वस्तु और सेवा, शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों के प्रावधान और भेदभाव को समाप्त करने में अपना महत्व रखता है। समाज में हर एक व्यक्ति सम्मान और इज्जत के साथ समान रूप से खुशहाल एक जिंदगी जी सके, इसी की कामना करते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।